प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। दर्शकों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कर्क राशि वाले जनवरी माह में आपका कैसा रहने वाला राशिफल। नया साल आ रहा है, आप लोग को भी जाननी चाहिए कि जनवरी यानी नौ वर्ष का पहला महीना आपकी किस्मत के सितारे क्या बोलते हैं, कौन ग्रह आपके फेवर में है, धन ऐश्वर्य कीर्ति सफलता दाम्पत्य संतान शिक्षा क्या होने वाली है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस महीने आपको क्या उपाय करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर फल दे। मैं जो भी भविष्यवाणियां करूंगा ये चंद्र राशि के अनुसार रहेगा। हो सकता है कि आपके जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों का दशा चलता हो तो कुछ परिवर्तन भविष्यवाणियां हो सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो मेरे से कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं कि इस महीने होने वाला क्या है। 14 जनवरी से सूर्य की मकर राशि में प्रवेश है, 13 जनवरी से बुध की मकर राशि में प्रवेश है, 9 जनवरी से शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश है, 24 जनवरी से शनि का जो है धनु से मकर राशि में प्रवेश है और 26 जनवरी से बुध का उदय होगा, वर्तमान में अस्त चल रहा है। चलिए मैं आपके करियर की बात अगर करता हूं तो कर्क राशि वाले करियर के मामले में अगर मैं बात करता हूं तो 9 जनवरी से आपकी कुंडली में बुध जो है वो कर्म क्षेत्र के आय स्थान के मालिक हैं, लेकिन वो चले जाएंगे अष्टम हाउस पे। यानी जो व्यक्ति करियर के क्षेत्र में टेक्निकल फील्ड में है, जो पॉलिटिक्स के लाइन में है, जो लाइजनिंग कर रहे हैं, जो ठेकेदारी के लाइन में है, जो बिल्डिंग के क्षेत्र में, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो क्रिकेट के क्षेत्र में आप लोग का भी करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार की अगर मैं बात करता हूं तो जो ठेकेदारी लाइजनिंग के क्षेत्र के साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं आप लोग की अच्छी रहने वाली है। जो प्रॉपर्टी में लैंड बेच रहे हैं खरीद रहे हैं उनकी भी स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। साथ में मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अग्निशामक सामग्रियों का काम कर रहे हैं आपके लिए भी काफी अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी करियर के क्षेत्र में आपका जो है इस मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। परंतु जो विदेश से काम कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट वगैरह काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट वाले आप लोगों की स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन जो विदेश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे हैं 9 जनवरी से आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। प्रयास कीजिएगा 9 जनवरी के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं करने का, नहीं तो नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति यानी संपत्ति की बात मैं कर लेता हूं तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। आप प्रयास करेंगे जनवरी माह में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने का, वो टल जाएगा। 9 जनवरी से पहले हो जाएगी तो आपकी किस्मत है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि बीच में खरमास घुसा हुआ है तो हो सकता है बड़ा रिस्क ना ले। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी या कोई बड़ी वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति इस मामले में आपका बहुत अच्छा नहीं है। माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, साथ में है पिता का तालमेल तो आपका ठीक रहेगा, परंतु पिता मां के स्वास्थ्य के कारण परेशान ज्यादा रहेंगे। अब मैं बात करता हूं कि शिक्षा की स्थिति क्या रहने वाली है। शिक्षा में आपकी कोई भी कमी नहीं होगी, शिक्षा हर मामले में आपका काफी अच्छा रहने वाला है, वो टेक्निकल फील्ड हो, मैनेजमेंट क्षेत्र हो या फिर यूपीएससी आईपीएससी, जो भी चीज का भी तैयारी आप करना चाहते हैं हर मामले में आपका बेहतर रहेगा। शिक्षा के मामले में उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है जो पुरातात्विक से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो खगोल शास्त्र से रिलेटेड है, जो मेडिकल के क्षेत्र में है, आप लोग की स्थिति कुछ ज्यादा ही अच्छी रहने वाली है। ऐसे इस मामले में कर्क राशि वाले आपका शिक्षा की स्थिति काफी अच्छा रहने वाला है। बात करता हूं प्रेम संबंध के बारे में तो आपका प्रेम संबंध तो अच्छा चल ही रहा है। 14 जनवरी के बाद प्रेम विवाह का योग अत्यधिक मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी 14 जनवरी के बाद प्रेम संबंध आपका अच्छा हो जाएगा। पिछले महीने आपका प्रेम संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहा है, 14 जनवरी के बाद प्रेम संबंध आपका काफी अच्छा हो जाएगा। लव मैरिज का चांसेस इस महीने बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैं बात करता हूं दाम्पत्य, तो दाम्पत्य की बात मैं करता हूं तो ससुराल पक्ष से 9 जनवरी के बाद आपका जो है मतभेद होना प्रारंभ हो जाएगा और 14 जनवरी के बाद जो है यानी 14 जनवरी से सूर्य आपके पत्नी के हाउस में चले जाएंगे, यानी 14 जनवरी के बाद आपका दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, पत्नी से तालमेल थोड़ा खराब रहेगा, पत्नी के परिवार वालों से भी जो है तालमेल बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। साथ में कह सकता हूं कि 14 जनवरी के बाद जो है पत्नी से अगर बच के रहते हैं तो बेहतर रहेगा, इस समय साझा व्यापार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब मैं बात करता हूं संतान के मामले में, संतान सुख का पूर्णता सुख मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। संतान नाम रोशन करेंगे, इस महीने आपको संतान के कारण किसी भी मामले में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
शैतान को क्रोध थोड़ा ज्यादा आएगा तो उनको बोलिए क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने के लिए तालमेल बना करके चलिएगा तो बेहतर रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करता हूं तो हेल्थ इस महीने आपका बहुत बढ़िया तो नहीं रहने वाला है। 9 जनवरी के बाद जो है गले के रोग से आप पीड़ित हो जाएंगे, छाती के दर्द से आप पीड़ित हो जाएंगे। साथ में मैं कह सकता हूं कि राशि परिवर्तन जब शनि का होगा तो पेट के से रिलेटेड थोड़ा सा तो बेहतर रहेगा, लेकिन शनि और बाप और बेटा एक साथ होने वाला है जो बेहतर नहीं है, जो आपके पेट की समस्या तनाव परेशानी देगा। यानी कह सकता हूं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके कह सकता हूं कि स्किन से रिलेटेड गले के रोग से आप ज्यादा परेशान रहेंगे, पेट वगैरह से जो लोग परेशान है आप लोगों की भी स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। उपाय के मामले में अगर मैं बात करता हूं कर्क राशि वाले तो ज्यादा आपको विशेष उपाय नहीं करना है। 24 जनवरी के बाद शनिदेव का आराधना कीजिए, कंटिन्यू शंकर भगवान का पूजा कीजिए, माता गौरी का पूजा इतना ज्यादा ज्यादा हो सकता है आप कीजिए। इसके अलावा शुक्र की स्थिति खराब होने वाली है तो शुक्रवार के दिन जो है आप खीर बना करके शंकर भगवान को या लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ओम सुख शुक्राय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन 9 जनवरी के बाद कोई काम नहीं करें। साथ में जो है मंगलवार के दिन बुधवार के दिन आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद कह सकता हूं कि 9 जनवरी के बाद जो है अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। मैंने बोला जो भी भविष्यवाणियां होती है ग्रहों के गोचर की स्थिति भी होती है, आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति बदलती रहेगी तो निश्चित तौर पर भविष्यवाणी में थोड़ा परिवर्तन आएगा। जीवन में परेशान है, कर्म क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा परेशानी आ रही है, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, वास्तु रिलेटेड हो, हस्त्रेखा हो, कुंडली हो, कुछ भी हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको हक है कि आपके जीवन में परेशानी कब से दूर होगी। मुझे पता है बदला नहीं जा सकता है, मुझे पता है रोका जा सकता है और मुझे पता है कि टाला जा सकता है। उम्मीद करता हूं मेरा बताया गया जानकारी आपको बहुत इससे प्रसन्न हुए होंगे। अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता पर हमेशा बने रहें, हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो आपको जानकारी के तौर पर मिलती रहेगी, जहां कुछ भी ड्रामा नहीं होता है, जो भी होता है स्पष्ट तौर पर होता है, कुछ डराने की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य लेकर के आए, परिवार में तालमेल बहुत अच्छा रहे, ईश्वर की कृति मिले आपको और आप हीरे से भी ज्यादा कोहिनूर के जैसे चमके। आज मैं लेता हूं इजाजत, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, दर्शकों नमस्कार।